जावेद अख्तर को जिंदगी भर एंटी नेशनल कहा गया। उनके ऊपर अक्सर यही इल्जाम लगाया गया कि हमेशा पाकिस्तानी की साइड लेते हैं, इन्हें वहीं भेज देना चाहिए। रिसेंटली जब जावेद अख्तर पाकिस्तान दौरे पर गए तब भी उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर यही चला कि इन्हें अब पाकिस्तान ही रहना चाहिए, वापस इंडिया लौटकर नहीं आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जाकर जावेद अख्तर ने ऐसा कुछ किया है जिसने हर एक भारतीय का दिल जीता है। और आज सोशल मीडिया पर वो लोग भी जावेद अख्तर की वीडियो शेयर कर रहे हैं जो लोग जावेद अख्तर पर इल्ज़ाम लगाते थे कि इन्हें पाकिस्तान से प्यार है। जावेद अख्तर ने कह सकते हैं कि घर में घुसकर मारा है, उनको मुंह पर बोला है कि 26/11 पर तुमने हमारे साथ जो किया है उसके बाद अगर हम तुमसे नाराज होते हैं तो वो बात गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो नुसरत फतेह अली खां और मेहंदी हसन के बड़े बड़े फंक्शंस किए, आपने तो हमारी लता मंगेशकर जी को लेकर कोई कॉन्सर्ट नहीं किया। जावेद अख्तर की ये स्पीच तकरीबन 43 सेकंड्स की है लेकिन ये स्पीच अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इनफैक्ट कंगना रनौत जो जावेद अख्तर की बड़ी दुश्मन है, जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, जो कंगना जावेद अख्तर पर ये इल्ज़ाम लगा चुकी है कि उन्होंने मुझे सुसाइड की धमकी दी थी और मेरा करियर ख़त्म करने की धमकी दी थी, वो कंगना भी जावेद अख्तर की तारीफ करते नहीं चुकी। कंगना रनौत ने खुद जावेद अख्तर की वीडियो को शेयर किया और कहा, जब मैं जावेद साहब की पोएट्री सुनती हूँ तो लगता है कि माँ सरस्वती की ही इनके ऊपर कृपा है। लेकिन देखो, कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो कुछ खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद साहब, घर में घुस के मारा, कुछ इस तरीके से कंगना रनौत ने जावेद अख्तर की तारीफ की है। और कंगना क्या, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने आज जावेद अख्तर की इस वीडियो को शेयर किया है। आप भी देखिए इस वीडियो को और बताइए कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ जब जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों को मुंह पर कहा कि हाँ तुमने हमारे साथ बुरा किया। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा, हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं।